हेलो क्रिएटिव पीपल, क्या हाल चाल। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, स्केचिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्केचिंग एक बहुत ही तगड़ा वेपन है विजुअल आर्ट में। अगर आप अच्छा स्केचिंग करना चाहते हो तो मेरे दोस्त, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्केचिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं एक राउंड और इसे फेस का शेप दे देते हैं। फेस के लिए हमें हमेशा सर्कल से ही स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, और ये बहुत ही आसान हो जाता है हमको कोई भी पोर्ट्रेट बनाने के लिए। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फेस में मैं कुछ ज़्यादा लाइंस नहीं दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही डिस्टर्ब करता है हम लोग को। ठीक है, तो फेस में यहाँ पे मैं कुछ भी ज़्यादा लाइंस नहीं दे रहा हूँ। आई एम जस्ट प्लेइंग अ बिट विथ लाइट एंड शेड। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे मैं दो टाइप का लाइंस दे रहा हूँ, एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर में पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू पुट द करेक्ट प्रोपोर्शंस इन करेक्ट प्लेस। लो प्रेशर में पहले अंदाजे से जितना होना चाहिए आपको लग रहा है, उस हिसाब से अंदाज़ा लगा के एक शेप ले लेना है। फिर हाई प्रेशर के साथ परफेक्ट लाइंस अप्लाई करना है। तो दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से समझिए। नेक्स्ट कोई भी आप ड्राइंग करेंगे, स्केचिंग करेंगे, तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। और यहाँ पे कोई कोई जगह में देखिए मैं शेड यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इट फील्स डायनामिक एंड प्रोफेशनल इन स्केच। ठीक है, तो प्रोफेशनल लुक देता है ये चीज़। तो कहीं पर डार्क, कहीं पर लाइट, उस हिसाब से शेडिंग भी दीजिए, तो इस टाइप का स्केचिंग में चलता है। और गाइज, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ड्राइंग और स्केचिंग में। ठीक है, जैसे कि ड्राइंग क्या है और स्केचिंग क्या है, तो इसके बारे में दोस्तों हम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हम लोग को पढ़ाया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या है, ड्राइंग का मतलब है मैक्सिमम लाइंस होगा उसमें और मैक्सिमम एक्सप्रेशंस भी होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, जैसे मैक्सिमम लाइन होना चाहिए, उसमें मैक्सिमम एक्सप्रेशंस भी हम लोग को पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ बन रहा है। लेकिन स्केचिंग क्या है, मिनिमम लाइंस और मैक्सिमम एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो मिनिमम लाइन में हम किस तरह से मैक्सिमम एक्सप्रेशंस को शो कर सकते हैं, वही होता है स्केचिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कितना लाइनिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ गिनती करके नहीं बनाना आप लोग को, लेकिन इतना मिनिमम लाइन आप यूज़ कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा एक्सप्रेशंस, मैक्सिमम एक्सप्रेशंस जो दिखाना चाहते हैं आप, वो अगर आपके काम में दिख रहा है तो हम उसको स्केचिंग बोलेंगे। स्केचिंग जो है वो पहला प्रोसेस होता है, उसके बाद अगर आप उसको और भी अच्छा मैक्सिमम लाइन के साथ अगर दिखाना चाहते हैं और मैक्सिमम एक्सप्रेशंस दिखाना चाहते हैं, तो हम उसको ड्राइंग बोलेंगे, अगर आप उसको डिटेलिंग वगैरह करेंगे तो। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम ड्राइंग और स्केचिंग में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे और एक फिगर ऐड करना है। ठीक है, एक साइड में फिगर ऐड करते हैं तो एक कंपोजिशन टाइप भी लगेगा। तो इसी हिसाब से पहला वाला जिस तरह किया, देखिए यहाँ पे भी ज़्यादा लाइंस नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा शेड दे दे रहा हूँ, बस एक एक पॉइंट में ही, बस इतने में ही हम लोग को जो है टोटल फेस का सब कुछ पता चल जा रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स स्केचिंग में गलतियाँ होती है। ठीक है, बहुत गलतियाँ होती है, बहुत बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो गाइज, डोंट गेट अपसेट फॉर दैट। इरेज करके फिर से बनाने का कोशिश ना करें, जितना बन गया उतना ही रहने दो उसे, और ये ट्राई करो कि हाउ इट वुड बी बेटर इन नेक्स्ट अटेम्प्ट।
एंड गाइज योर लाइन शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। सो हमारा पहला स्केच यहाँ होता है ख़त्म। तो चलिए नेक्स्ट स्केच की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो यहाँ पे भी वही एक सर्कल यहाँ पर भी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए छोटा स्केच है, डिटेलिंग पे हमें फोकस नहीं करना है। ओवरऑल जो चीज़ हमें सब्जेक्ट को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है, ठीक है, सब्जेक्ट को जो चीज़ ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है उसे फोकस करना है। एज आई सेड मैक्सिमम एक्सप्रेशन इन मिनिमम लाइन्स, ठीक है, हम लोग को मैक्सिमम एक्सप्रेशंस दिखाना है कम लाइन में, ठीक है। तो देखिए हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक औरत बैठी हुई है। तो देखो यहाँ पे फेस में मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, बस एक एक लाइंस छोटा छोटा शेड में ही आईज लिप्स नोज सब दिखा रहा हूँ। बिल्कुल भी इरेजर का यूज़ ना करें, जो हो रहा है होने दो, बस अपना स्ट्रोक्स अपना लाइंस के साथ ही आप खेलना है आप लोग को। जितना बना बन गया तो बस ठीक है, नहीं बना तो नेक्स्ट ट्राई कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे होता है सेकंड स्केच भी कंप्लीट। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड स्केच की ओर। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक औरत बनाने वाला हूँ मैं। तो देखिए इस तरह से जैसे प्रोपोर्शंस लेना है, जो चीज़ है फेस में जिस जहाँ पे उस चीज़ को मैं प्रोपोर्शंस के हिसाब से ले लिया। बालों को मैं डार्क शेड दे रहा हूँ, उसी के साथ साथ फेस का स्ट्रक्चर भी दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस कहीं पे शेड कहीं पे लाइंस कहीं पे लाइट्स ये सब दिखाते हुए हम लोग को स्केचिंग करना है। आप दोस्तों लाइव भी स्केचिंग कर सकते हैं, रेफरेंस से भी स्केचिंग कर सकते हैं, मेमोरी से भी स्केचिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेमोरी स्केचिंग के लिए हम लोग को करने से पहले हम लोग को लाइव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। रेफरेंस फ़ोटो रेफरेंस से काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, तब जाके हम लोग जो है मेमोरी ड्राइंग मेमोरी स्केच कर पाएंगे। तो अगर आप विजुअल आर्ट के स्टूडेंट हैं और प्रॉपरली एज एन आर्टिस्ट आप आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ ये चीज़ को कभी अवॉइड मत कीजिए। स्केचिंग करने के लिए पहले तो थोड़ा लगता है कि यार कौन इतना स्केच करे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को रेगुलर करेंगे
कंसिस्टेंसी दोस्तों हर चीज़ में चाहिए, कंसिस्टेंसी कोई भी चीज़ में हम लोग अगर नहीं है कंसिस्टेंसी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वही स्केचिंग ड्राइंग में कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म अ स्केच इन अ डिटेलिंग ड्राइंग, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो बिना सब्सक्राइब किए जाने का नहीं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।